नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है और इस बैठक के पहले अब एक जो बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है की विपक्ष की बैठक में कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं जी हां एक बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी भी बेंगलुरु की बैठक में शामिल हो सकती हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विपक्ष को एकजुट करने के जिन प्रयासों को आगे बढ़ाया जा रहा है उसमें कांग्रेस काफी बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका अदा करने की दिशा में बढ़ रही है और इसमें अब एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के तमाम जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने अपना मन बना लिया है और माना जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही साथ कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बैठक में शामिल होंगे दरअसल 23 जून को इसके पहले पटना में एक बैठक हो चुकी है और उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी आए थे अब जो सामने बातें निकल कर आई हैं और विशेष करके कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने एक बयान दिया है उसमें शिव कुमार ने संकेत दिया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी बेंगलुरु की बैठक में आ सकती हैं। दरअसल 17 जुलाई को जो बैठक शुरू होगी वह बैठक बेंगलुरु में शाम छह बजे से होनी है उस बैठक में देश के तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है और फिर इसी बैठक की अगली कड़ी 18 जुलाई को होगी 18 जुलाई को फिर से सुबह ग्यारह बजे से बेंगलुरु में ही बैठक होनी है और इन बैठकों में जो दो, दो दिनों की यह बैठक है इस बैठक में सबसे जो अहम एक चेहरा माना जा रहा है वह सोनिया गांधी होंगी दरअसल सोनिया गांधी ने वर्ष 2004 से लेकर के व 2014 तक जब तक जब केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी तो उस समय वह यूपीए की चेयरपर्सन रही हालांकि यूपीए का जो मौजूदा शक्ल है वह आज भी है और उसकी भी चेयरपर्सन मौजूदा समय में सोनिया गांधी ही है लेकिन अब चूंकि यूपीए की जो एक तरीके से कहें तो प्राथमिकताएं हैं वह घट गई हैं और अब कांग्रेस अपने साथ अन्य छोटे दलों को जोड़ करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने में लगी हुई है ऐसे में सोनिया गांधी को उस बैठक में आमंत्रित कर और उस बैठक में उनके शामिल होने से माना जा रहा है कि कांग्रेस एक बड़ा संदेश अपने अन्य दलों को दे रही है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार को हराने के लिए काफ़ी तन्मयता के साथ जुटी हुई है और तमाम जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वह भी इसके लिए उत्सुक है कि तमाम विपक्ष एकजुट हो और इसके लिए खुद सोनिया गांधी पहल कर रही हैं और माना जा रहा है कि इसी वजह से डीके के ने इसके संकेत दिए हैं कि अब जो बेंगलुरु की बैठक है उस बेंगलुरु की बैठक में सोनिया गांधी आ सकती हैं और अगर ऐसा होता है कि बेंगलुरु की 17-18 जुलाई की बैठक में कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी शामिल होती हैं तो एक प्रकार से कांग्रेस तमाम दलों को एक बड़ा संकेत देगी कि देखिए हमारी ओर से एक बड़ी तैयारी है हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वह भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए देश के तमाम छोटे बड़े दलों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है और आमने सामने के मुकाबले में हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं क्योंकि वर्ष 2014 हो या वर्ष 2019 हो दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने देश में सर्वाधिक सीटें इस वजह से जीती क्योंकि विपक्ष के वोटों का बिखराव हुआ तो हमें विपक्ष के वोटों को एकजुट करने के लिए विपक्ष के वोटों को बिखराव को रोकने के लिए एकजुटता के साथ लड़ाई लड़नी होगी और माना जा रहा है कि इसी वजह से अब सोनिया गांधी खुद आगे बढ़कर इसकी अगुवाई की दिशा में बेंगलुरु बैठक से एक बड़ा संकेत दे सकती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण होगा कि क्या सोनिया गांधी उसमें आती हैं या नहीं आती हैं। क्या होगा उस बैठक का हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पे